जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में, अगर आप ओबीसी से तो 3 साल और ऐड कर लीजिए, एससी एसटी से तो 5 साल और ऐड कर लीजिए। ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस पर लगभग आप सभी को पता होगा 7500 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, जिसके फॉर्म 1 सितंबर से भरे जाएंगे। 1 सितंबर ध्यान रखना, 1 सितंबर से 31 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी बता गई है कि नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम होंगे, और नवंबर में कौन कौन सी डेट को होंगे ये भी क्लियर हो चुका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसकी, ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम में फंस के अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपना सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे अकेडमी आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के हमने अभी यानी इसी 5 तारीख से नए बैच शुरू किए हैं। लगभग 6 महीने का ये बैच होगा, फुल गारंटी बैच होगा इसमें आपके पेपर पास कराने की। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने का, लाडलो, इससे पहले एकेडमी के पुराने परिणाम भी आप देख सकते हो। आर्मी पेपर में भी हमारे 67 में से 64 बच्चे पास है, एसएससी जीडी में 61 बच्चे पास है। अगर आपको ये परिणाम देखने हैं, मैं केवल ऑनलाइन नहीं, आप एकेडमी में आके ऑफलाइन इनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, एडमिशन फॉर्म के साथ में अलग से किए हुए मिल जाएंगे। आप पहले उनको चेक कर लीजिए, कॉल करके चेक कर लीजिए, उनके घर पर कॉल करने की आपको परमिशन दी जाएगी, और फिर अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट पे बात करते हैं हम, फालतू की बकवास नहीं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी एज 18 साल हो गई हो तो, या 1 सितंबर तक अगर आपकी एज 1 सितंबर तक अगर आपकी एज 18 साल कम से कम, और मैक्सिमम आप एसटी कैटेगरी तो 30 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 25 साल। अगर एज में छूट नहीं मिलती है, अगर एज में छूट मिल जाती है तो 1-2 साल बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है लाडलो, अभी से तैयारी करनी होगी आपको, तभी आप दिल्ली पुलिस में अपना नंबर पक्का कर पाओगे। और हाँ, एक चीज और, दिल्ली पुलिस की मेरिट स्टेट वाइज नहीं आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक साथ मेरिट लगती है। इसलिए ये भी फायदा है आपको कि अलग अलग स्टेट की वजह से सीटों को डिवाइडेशन नहीं मिलता है, तो जो जितनी तैयारी करेगा उतना ही जल्दी मुकाम पा लेगा। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, क्योंकि इस वैकेंसी में लड़कियों के लिए 3000 पद है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एसएससी जीडी की 50,000 की वैकेंसी में भी 3000 पोस्ट नहीं होती, इसमें 3000 पोस्ट है। लड़कियों को तो लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, लड़कों को जरूरत है। हाइट भी सुन लेना, दिल्ली पुलिस में जो लड़का तैयारी कर रहा है उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, अगर वो एसटी कैटेगरी का है तो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर वो एसटी कैटेगरी की है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह हाइट का क्राइटेरिया है। इसमें एक और प्लस पॉइंट आपको जुड़ जाता है कि इसका जो फिजिकल है वो भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिजिकल की तैयारी भी आपको हम कराएंगे, उसको भी पास हम कराएंगे, अगर आपने पेपर में नंबर मार दिया। एक बात और बता देता हूं कि अभी से बैच शुरू होंगे, बीच बैच में एडमिशन नहीं मिलेंगे, या एडमिशन भी रहेंगे तो वो गारंटी बैच नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक अभ्यास बैच रहेगा जिसमें आपकी मेहनत डिसाइड करेगी आप लगोगे कि नहीं लगोगे। लेकिन हाँ, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं अकेडमी तो मैं गारंटी देता हूं आपके पेपर पास कराने की। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।